नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खत्म हो गया है और फाइनल मुकाबला खत्म होते ही एक बैड न्यूज है टीम इंडिया के जो फैंस हैं उनके लिए। टीम इंडिया को 209 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। आखिरी दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 280 रन चाहिए थे, 7 विकेट उनके बाकी थे, मगर सातों के सातों विकेट पहले ही सेशन में गिर जाते हैं, बाकी सेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और टीम इंडिया ने कल के अपने स्कोर में जो 8 जोड़े वो कुल जमा 46 रन जोड़े हैं जी, और टीम इंडिया पूरी धराशायी हो गई। जिस चीज की उम्मीद थी कि यहां पर कोई फाइट बैक देखने को मिलेगा, कोई फाइट बैक देखने को नहीं मिला है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ओवल के मैदान से। बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच WTC फाइनल मुकाबला खत्म हो चुका है, मुकाबला समाप्त हो चुका है। लगातार दूसरी बार टीम इंडिया WTC फाइनल में हार गई है। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 209 रनों से मात दे दी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है, टीम इंडिया मुश्किल में आ सकती है, पर इस तरीके से आज मैच हार जाएगी टीम इंडिया इसकी उम्मीद हमें कतई नहीं थी। सिर्फ 46 रन आज बने हैं, और जैसा कि टीम इंडिया बिहेव करती है कि जब ऊपर से गिरना शुरू होते हैं विकेट तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पे सब के सब आउट हो गए और टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हराया है कुणाल। बिल्कुल, यहाँ पर टीम इंडिया की शर्मनाक हार इसको कहा जाएगा, क्योंकि जब आप ICC फाइनल्स की नॉकआउट मैचेस की बात करते हैं तो बार बार ये देखने को मिलता है कि टीम इंडिया वहां पर जो है पैनिक कर जाती है, वहां पर फ्लॉप हो जाती है बल्लेबाजी, और वही एक बार दोबारा देखने को भी मिला है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो लंदन के ओवल मैदान पर खेली जा रही थी वहां पर टीम इंडिया के जो 7 विकेट हैं वो पहले ही सेशन में गिर जाते हैं। 7 विकेट बाकी थे, 280 रन बनाने थे, मगर टीम इंडिया सिर्फ ओवरनाइट स्कोर में जो है अपने सिर्फ 46 रन जोड़ पाती है। एक बार फिर से बल्लेबाज निराश करते हैं। विराट कोहली से उम्मीदें थी, अजिंक्य रहाणे से उम्मीदें थी कि वो फाइट बैक को लीड करेंगे। देखिए, जब हम सुबह भी ऑफिस में आए थे, दफ्तर में आए थे, तो बात यही हो रही थी कि भाई एक फाइट दिखनी चाहिए। ठीक है, आप 280 रन, 444 रनों का लक्ष्य कभी भी चेज नहीं हुआ है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इस मैदान पर जो चेज हुआ था लक्ष्य सक्सेसफुली, हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज 263 रनों का था। पांचवें दिन असमान उछाल होता है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, ये सारे कारण होते हैं, मगर एक फाइट जो दिखनी चाहिए ना, लड़ते हुए अगर टीम इंडिया हारती तो मजा आता, मगर जिस तरीके से आपने सरेंडर एक तरीके से किया है कि वहां पर आप आए और आप गए, पता नहीं कौन सा इंटेंट आप शो कर रहे थे। अलका और मैं ये बात भी कर रहे थे कि टीम इंडिया पता नहीं कौन सा इंटेंट शो कर रही थी, ये खिलाड़ी किस बात का इंटेंट शो कर रहे थे। जो शॉट सिलेक्शन थी वो खराब थी, एक एक करके सबका प्रदर्शन दिखाते हैं जी, उसके बाद आगे बात करेंगे स्पेसिफिकली सबकी कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन क्या रहा है। टॉप से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद नीचे शार्दुल ठाकुर तक आएंगे, शुभमन गिल से लेके शार्दुल ठाकुर तक, किसने कितना योगदान दिया और क्यों टीम इंडिया को हार मिली है, सब मुद्दों पर यहां पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक करके ग्राफिक्स दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर WTC के ब्रेकिंग के टाइम आ गया है। एक सेशन में गिरे टीम इंडिया के 7